अब खबरें विस्तार से। सेना दिवस के अवसर पर सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के सहयोग से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1961-71 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा के अलावा कर्नल SS गुप्ता भी मौजूद रहे। सेना दिवस के अवसर पर सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के सहयोग से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1961-65-71 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा के अलावा कर्नल SS गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 1200 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्व सैनिकों को बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इस समय की सरकार कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो अब सेना में भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखा रहे हैं, जो कि फक्र की बात है। सेना दिवस है और आज सुजानपुर में जो है सेना दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 1962-65 और 71 के जो वार हीरोज हैं उनको सम्मानित किया गया, जिसमें लगभग 1200 लोगों को सम्मानित किया गया और इसमें वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया है। और मुझे लगता है कि पहली दफ़ा हो रहा है कि जिन लोगों ने ज़मीन पे लड़ाइयाँ लड़ी, 62 में जब युद्ध हुआ तो देश के पास हथियार तक नहीं थे, और 65 में 71 में, तो उन लोगों को आज सुजानपुर चुनाव क्षेत्र और आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको सम्मानित किया गया है। और सर्व कल्याणकारी संस्था और साथ में एक्स सर्विसमैन लीग ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है, और इससे पहले भी सर्व कल्याणकारी संस्था को ये गौरव हासिल है कि जो कारगिल में शहीद हुए थे उनका भी यहीं पर उनके परिवारों का सम्मान किया गया था 30 जून 2002 को, और उसके बाद नवंबर 2010 में जो लोग सेना में सेवाएं दे रहे हैं नौजवान इस इलाके के, उनके परिवारों को सम्मानित किया गया था, और 5 फरवरी 2011 को पटलांदर के ग्राउंड में पूर्व सैनिकों को लगभग 3500 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया था। और जिन लोगों ने देश की रक्षा सुरक्षा में अपनी ज़िंदगी लगाई और जिन्होंने देशभक्ति की और देश की रक्षा सुरक्षा में जो काम किया और देशभक्त जो असली देशभक्त हैं उनको आज सम्मानित किया गया है। और देखिए समय समय पर सरकारें बदलती हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, परंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो सैनिकों के लिए किया मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ उन्होंने किया है, और समय समय पर सरकारें करती आई हैं। और इस मौके पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये गौरव हासिल है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र जिला हमीरपुर जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, वहीं पर जिला हमीरपुर जो है और ख़ासतौर पर सुजानपुर के लोग सेना में रुचि रखते हैं, और हमें फ़ख्र है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति चूर जो है कूट कूट कर भरी है, और यहाँ के नौजवान भी आगे आने वाले समय में भी सेना में रुचि रखते हैं और सेना में आने वाले समय में भर्ती होंगे। जब भी मैं अपने इलाके में निकलता हूँ तो फिटनेस देखा मैंने कि नौजवान फिटनेस कर रहे होते हैं, और हम पहाड़ी राज्य से हैं और पहाड़ी राज्य से संबंध रखने के नाते यहाँ के लोग जो हैं फौज में काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं और फौज में ज़्यादा सफल होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ इलाके के बहुत सारे लोग फौज में सेवाएँ दे रहे हैं, और हमें फ़ख्र है और इस बात का भी फ़ख्र हासिल हुआ है कि सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। और आज मैं फौजियों के बीच में रहकर अपने आप को एक सैनिक की तरह मैं महसूस कर रहा हूं, और मुझे एक सर्विसमैन लीग की तरफ से भी सम्मानित किया गया है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जिन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देशभक्ति जिनके अंदर कूट कूट के भरी है। और इस खुशी के मौके पे आज पूरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के आसपास के इलाकों से लोग जो पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ आए और आज मिलकर ये सेना दिवस मनाया गया, इस बात की हमें खुशी है। मान पाने के बाद पूर्व सैनिकों ने भी खुशी जाहिर की, और पूर्व सैनिक जयचंद ने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा ने पूर्व सैनिकों को सम्मान करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि केवल विधायक राणा ही है जो कि
समय समय पर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एमएलए सोहनपुर के जो एमएलए हैं उन्होंने राजेंद्र राणा जी उन्होंने पूर्व सैनिकों का प्रभाव रखा है, जो कि बहुत खुशी की बात है। और काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए हैं और सिर्फ राणा जी हैं जो पूर्व सैनिकों को याद करते रहते हैं, टाइम टू टाइम याद करते हैं जी। और बड़ी खुशी होती है इस चीज की। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे जो है कुछ ही समय में बोलते हैं और यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा कार्यालय सिस्टम रखा हुआ है, बैटरी सिस्टम अच्छा है, मेडिकल कैंप लगा हुआ जो फ्री चेकिंग हो रही है जो चंडीगढ़ सिटी हमारे मेडिकल वालों की, ये तो मैं धन्यवाद करूंगा राजेंद्र राणा जी का कि जिन्होंने हम सबको बुलाया है, ये याद किया है।